मानवी मनोरा रचण्यासाठी लागतं उत्कृष्ट व्यवस्थापन, नियमांचं पालन आणि उत्तम संतुलन, अन्यथा अपघात होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे निसर्गाचं संतुलन बिघडल्याने पर्यावरणाला धोका होऊन भूस्खलन, दरड कोसळणे असे भीषण अपघात होतात. त्यात जीवित व वित्तहानी होऊन अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होतात. हे टाळण्यासाठी निसर्गाचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. तसेच डोंगरापासून सुरक्षित अंतरावर वस्ती करणे गरजेचे आहे. भूस्खलन प्रवण क्षेत्रांबाबत कायम सतर्क राहणे आवश्यक आहे. डोंगरावरची झाडे झुकणे, पाण्याखालची माती वाहून जाणे या भूस्खलनाच्या प्रारंभिक खुणा असू शकतात. या संबंधित सूचना संबंधित विभागाला दिल्या पाहिजेत, जेणेकरून जीवितहानी टळू शकेल. निसर्गाचं संतुलन व नियमांचं पालन केल्यानेच आपलं आणि निसर्गाचं रक्षण होऊ शकतं. आपत्ती व्यवस्थापन आयुष्याचे संवर्धन. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन. सोबत आलेलो आम्ही. सरकार काका प्रमोद काका. शिक्षा में करियर बोलते हैं, कैरेक्टर की कोई बात नहीं है. ये मीडिया वाले, उनका अगर राइट का जितना है उतना गुड़ का नहीं है. वो सच देते अच्छा नहीं देते. और सत्ता के पास क्रिया शक्ति बहुत है, इच्छा शक्ति करीबन कम. मैं दिल्ली में जब सोनिया गांधी से मिला तब आपने मुझे पूछा था, उड़े आपकी पीड़ा क्या है. मैं बोला, वी कैन डू नथिंग, वी कैन विश ओनली. यू कैन डू एवरीथिंग, यू डोंट विश. हमारी इच्छा शक्ति और आपकी क्रिया शक्ति यदि थोड़ी एक हो जाए, सत्ता में आने का तो प्रश्न देता नहीं, सोचता भी नहीं, संता करने के लिए चलते. मगर इतना थोड़ा एक गैप थोड़ा भी दूर हो जाए, कहाँ कुछ करना है. मगर एक कल्चर, CBSE ने मुझे क्या कहा कि मॉरल की बात थोड़ी हम करते हैं, देयर इज नो सब्जेक्ट एंड देयर इज नो एग्जाम. अब एग्जाम क्यों नहीं होते? उन्होंने ये तय किया कि इतने छोटे बच्चों को एग्जाम लेने के बाद अगर वो अपना फेल हो जाते हैं तो उनके दिमाग में कुछ असर पड़ता, ऐसा कुछ पता कि उन्होंने. लेकिन वो गलत है. आज से जब से हम देख रहे हैं तब से एग्जाम, तो पहले हमारे मराठी में तिमाही, सामाई, नौमाई और वार्षिक ऐसी एग्जाम रहती थी. लेकिन वो सब ये किया उन्होंने और समझ में आता. फिर 9th से शुरू करते और फिर 10th में एकदम लड़के लड़कियां फेल का ये ज्यादा रहता है. When I was under 5 years, मलाड में मैं रहता था, बॉम्बे में. पहली किताब में जब गया था, मैं आपको बता रहा था शिक्षा क्या मिल रही है. और टीचर ने वो बता दिया, 2 + 2 = 4. मेरी बाजू में बताऊँ कि तीन चीज का दुख
शिक्षा में करियर बोध है कैरेक्टर की कृपा। ये मीडिया वाले उनका आग्रह राइट का जितना है उतना गुड़ का नहीं, और सच देते अच्छा नहीं देते। और सत्ता के पास क्रिया शक्ति बोध है, इच्छा शक्ति करीबन कम। मैं दिल्ली में जब सोनिया गांधी से मिला तब आपने मुझे पूछा था गुरुदेव आपकी पीड़ा क्या है, मैं बोला वी कैन डू नथिंग, वी कैन विश ओनली, यू कैन डू एवरीथिंग, यू डोंट विश। हमारी इच्छा शक्ति और आपकी क्रिया शक्ति यदि थोड़ी एक हो जाए, सत्ता में आने का तो प्रश्न देता नहीं, सोचता भी नहीं सत्ता को, मगर इतना थोड़ा एक गैप थोड़ा भाई 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 ए ए ए भाई ए मोबाइल ए भाई इतके पुढे ए भाई। रोजच्या ताज्या घडामोडींसाठी आवाज टीव्हीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।